नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस वीडियो में दिसंबर माह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न सम्मिलित किया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो में 200 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले BPSC, रेलवे NTPC, बिहार दरोगा और बैंकिंग तथा अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिहार संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि इस वीडियो में 200 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अभिमन्यु मिथुन। ये कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। इसका नाम है अभिमन्यु मिथुन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग लागू करने की तारीख कब तक बढ़ा दी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दोस्तों, फास्टैग से संबंधित एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, वहाँ पे मैंने बताया है कि फास्टैग किस प्रकार भारत के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, फास्टैग क्यों अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, वे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 का आयोजन हाल ही में किया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नेपाल। नेपाल के साथ ये समझौता किया गया है, तो सही आंसर होगा नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी JJP को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है हरियाणा। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की, तो ये हरियाणा राज्य की जननायक जनता पार्टी है, उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे प्रदान किया गया है राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा। तो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मणिपुर। केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दिया है। सही आंसर है मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, जिसने हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर होगा सोमा रॉय। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो ये डेट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। नवा प्रश्न है, नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा मिशन इंद्रधनुष 2.0। नेक्स्ट प्रश्न है, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है अक्कीतम अच्युतन नबुंदरी। मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जीता है अक्कीतम अच्युतन नबुंदरी ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न है, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर, हाल ही में कौन देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने तमिलनाडु टीम को 1 रन से मात देकर लगातार कितनी बार सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत ली है? तो ये लगातार दूसरी बार जीत ली है कर्नाटक क्रिकेट टीम ने, तमिलनाडु को 1 रन से हराकर लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक T20 क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 13वां प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में BALON D'OR पुरस्कार जीता है? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में BALON D'OR पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा लियोनेल मेसी।
नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द अर्ली इंडियंस के लेखक जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है, इसका नाम है टोनी जोसेफ। पुस्तक अर्ली इंडियंस के लेखक हैं टोनी जोसेफ, जिसे कि हाल ही में उन्होंने शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है, तो सही आंसर है टोनी जोसेफ। अगला प्रश्न है, चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने हाल ही में किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है, तो ये शुरू की है भारत के लिए। चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने हाल ही में भारत के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है, सही आंसर है भारत। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगामी आने वाले जितने भी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे 16वां प्रश्न, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कितने फीसदी किया है, तो ये कर दिया है 5.1%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से घटाकर 5.1% कर दिया है। अगला है 17वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका चीन। किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये चीन ने किया है। अगला है, विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 19वां प्रश्न है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो विक्रम लैंडर था वो गायब हो चुका था, तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है, तो ये है षणमुख सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब ध्यान रखेंगे, षणमुख सुब्रमण्यम की जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो यहाँ सही आंसर आपका होगा पृथ्वीराज सिंह रूपन। हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है, नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है हाल ही में जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने हैं, तो ये गूगल की मूल कंपनी का नाम है अल्फावेट, जिसे कि हाल ही में सुंदर पिचाई इसके सीईओ बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडन के शासक कौन है जो हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, तो इसका सही आंसर होगा कार्ल 16 गुस्ताफ। ध्यान देंगे, स्वीडन के ये शासक है कार्ल 16 गुस्ताफ, जो कि हाल ही में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है लालू प्रसाद यादव को। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के को हाल ही में $10 करोड़ की सैन्य सहायता राशि दी है, तो ये दी है लेबनान को। ध्यान देंगे दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा किया, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, भारत और स्वीडन के बीच हाल ही में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और स्वीडन के बीच हाल ही में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप ध्यान देंगे, समझौते से संबंधित प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में आपको दिसंबर माह से संबंधित सभी प्रश्न बताया जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है, प्रश्न है FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है, तो यह है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल को FSSAI द्वारा हाल ही में इसे प्रथम इट राइट स्टेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो सही आंसर है मुंबई सेंट्रल। अगला 29वां प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, रूस और चीन ने मिलकर। चलिए अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने थोक में प्याज के भंडारण की सीमा को 25 टन से घटाकर कितनी कर दी है,
तो केंद्र सरकार ने इसके थोक में भंडारण की सीमा को घटाकर 25 टन से 5 टन कर दिया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको एक स्क्रीन पर है, बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा तथा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और कितने साल हेतु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये 10 वर्ष और बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो अब इसे ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आरक्षण की अवधि को और कितने साल बढ़ाने हेतु संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये और 10 साल बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 33वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो ओडिशा सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तथा वे 1981 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 43 रन देकर 8 विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं? तो ये इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन है वॉब विलिस, आपसे ध्यान रखेंगे, इसका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक संसद का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका नाम है कमला हैरिस, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया है, इसका नाम है कमला हैरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वां प्रश्न, आरबीआई ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5% कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत द्वारा निर्मित जो तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है उसका नाम क्या है? तो उस जहाज का नाम है कामयाब, जो कि भारत में निर्मित एक जहाज है, तटरक्षक जहाज, जिसे कि नरेंद्र मोदी द्वारा उपहार स्वरूप मालदीव को प्रदान किया गया है, तो ध्यान देंगे इसका नाम है कामयाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पराली, जिसे कि फसल अवशेष को ही पराली कहा जाता है, प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पराली जलाए जाने से उत्पन्न समस्या दूर करने हेतु एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया है? तो ये क्या है, भारत सरकार ने, सही आंसर है भारत। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है? तो ये है नीरव मोदी, विजय माल्या के बाद नीरव मोदी को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा नीरव मोदी। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला है 42वां प्रश्न, भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज की बुनियादी ढांचाओं को विकसित करने के लिए भारत सरकार के किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ, जिसके जरिए कि तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज की बुनियादी ढांचाओं को विकसित किया जाएगा, तो ये समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक के साथ। अगला है 43वां प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो यह है 5वें स्थान पर, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में 5वें स्थान पर है, आप ध्यान देंगे ये 2019 में 5वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, आरबीआई की 5वें द्विमासिक नीति समीक्षा के दौरान भारत की रेपो रेट क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है 5.15%। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये क्या है, तमिलनाडु में, इसरो द्वारा तमिलनाडु में दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा अरामको।
अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी बनी अरामको। और आपको बता दूं कि अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है और अलीबाबा के संस्थापक हैं डिकी डोलमा। जी नहीं, अलीबाबा के संस्थापक डिकी डोलमा नहीं है, बल्कि अलीबाबा के संस्थापक हैं, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चाइनीज कंपनी है, आप ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के डेनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, 48वां प्रश्न, भारत और किस देश के बीच इंद्राभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया था? तो ये किया गया था भारत और रूस के बीच इंद्राभ्यास का आयोजन, तो आपसे ध्यान रखेंगे। युद्ध अभ्यास से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जितने भी महत्वपूर्ण 2019 दिसंबर में घटित घटनाएं हैं युद्ध से संबंधित, युद्ध अभ्यास से संबंधित, वे सारे के सारे इस वीडियो में यहाँ पे मैंने लेने का प्रयास किया है। चलिए अगला प्रश्न है, 49वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 100 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, सही आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वां प्रश्न, हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है सना मारिन को। अब ध्यान देंगे, सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाला है ये सना मारिन, एक महिला है जो सबसे कम उम्र की यानी कि युवा प्रधानमंत्री है, ध्यान देंगे युवा प्रधानमंत्री है ये, सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री है सना मारिन। चलिए अगला है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोजो बेनी टुंजी ने, ये दक्षिण अफ्रीका की है, काफ़ी भी चर्चे में रही थी, इसे ध्यान में आपको रखना है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोजो बेनी टुंजी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में देश के रेस्टोरेंट में महिला और पुरुषों के लिए दो अलग अलग एंट्रेंस गेट की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो यह है सऊदी अरब। अभी कुछ दिन पहले यह हाल ही में काफ़ी चर्चे में था, क्योंकि इससे पहले महिला और पुरुष के लिए रेस्टोरेंट में प्रवेश का जो एंट्री का जो गेट होता था वो अलग अलग होता था, लेकिन अब उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है कि अब एक ही गेट होगा जिसके जरिए पुरुष और महिला दोनों इंटर करेंगे रेस्टोरेंट में। तो ये क्या है, सऊदी अरब सरकार के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिला और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालत के गठन का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, तो आप ध्यान देंगे इसका सही आंसर रहेगा 218 फास्ट ट्रैक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण ये शुरू हुआ था मेघालय में, ध्यान देंगे इसका सही आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है, और इस सूची में किस राज्य का थाना पहले स्थान पर है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अबेरदीन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक थाना है, इसे पहला स्थान मिला है। प्रश्न था, गृह मंत्रालय ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है, और उसमें पहले स्थान पर है अरेबदीन थाना, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 59वां प्रश्न, हाल ही में नृत्य समीक्षक एवं इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने हेतु किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है माधव देव पुरस्कार से, ध्यान देंगे ये पुरस्कार है माधव देव पुरस्कार से, इसे सम्मानित किया गया है सुनील कोठारी को।
चलिए अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा के विजय कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, विश्वभर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्वभर में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, किस विभाग में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कर्मचारी खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा अर्धसैनिक बल। अमित शाह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अर्धसैनिक बल अब खादी यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो सही आंसर होगा अर्धसैनिक बल। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है 129 है भारत की रैंकिंग। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है 129। अगला प्रश्न है, किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो अबू धाबी को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है। सही आंसर है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हिंदी कवि जिन्हें हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, वे हैं विश्वनाथ प्रसाद। इसे हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, किस भारतीय वायुसेना प्रमुख के नाम पर 30 राफेल विमान के टेल नंबर जारी किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा BS धनोआ। BS धनोआ के नाम पर, भारतीय वायुसेना प्रमुख जो कि BS धनोआ है, उसके नाम पर 30 राफेल विमान के टेल नंबर जारी किए जाएंगे। सही आंसर है BS धनोआ। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, स्टॉक होल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि शिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो ये बढ़ोतरी हुई है 5%। शिपरी के अनुसार विश्व भर में हथियारों की खरीद में 5% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर रहेगा 5%। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, मेघालय में शुरू हुआ था। इसका नाम है हैंड इन हैंड। इसका 8वां संस्करण था जो कि मेघालय में संपन्न हुआ भारत और चीन के बीच। ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, किस देश पर वाडा द्वारा आगामी 4 सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो वाडा द्वारा आगामी 4 सालों के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 70 नंबर प्रश्न, किसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो यह है अबी अहमद अली। इसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जा चुके हैं? तो यह है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके जरिए अब तक लगभग 10 लाख करोड़ रुपये ऋण दिए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न, सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की 3 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9% घटकर अब कितने अमेरिकी डॉलर रह गई है? तो ये रह गया है 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर। 6.9% घट के ये अब रह चुका है 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर। आपसे ध्यान देंगे, ये सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की 3 शीर्ष रक्षा कंपनियां हैं उसकी बिक्री 2018 में 6.9% से घटकर अब जो रह गया है वो रहा है 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको 1.9 लाख करोड़ डॉलर मूल्यांकन के साथ विश्व की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो यह है सऊदी अरब। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये अलीबाबा को पछाड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सऊदी अरब की कंपनी है अरामको, जिस जो कि 1.9 लाख करोड़ डॉलर मूल्यांकन के साथ विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में पहले स्थान पर है।
तो यह है सऊदी अरब की कंपनी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया ट्वीट भारत का गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 कहा गया? तो यह ट्वीट किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसे कि गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 कहा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले दिनों काफ़ी ये चर्चे में था। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी CCPI 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 9वां स्थान। हाल ही में जारी CCPI 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 9वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB ने 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 5.1%। 2019-20 के लिए भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर था उसका अनुमान ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक द्वारा 6.5% से घटाकर अब 5.1% किया गया है। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है, किस बॉलीवुड एक्टर को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये क्या है, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नाडा द्वारा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 312 पदक जीते। 80 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डची फैट 3 किस देश के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया एक नैनो उपग्रह है, जिसे हाल ही में श्रीहरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इजराइल के स्कूली छात्रों द्वारा ये बनाया गया है डची फैट 3, जिसे कि हाल ही में श्रीहरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के मध्य हाल ही में आयरन यूनियन 12 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच हाल ही में आयरन यूनियन 12 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। अमेरिका इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न, इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को किस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को रिसैट 2BRI, इसे 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था रिसैट 2BR1। ध्यान देंगे, रिसैट 2BR1 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बना है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन ऐसा देश है जो नया देश बना है पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर? तो इसका सही आंसर होगा बोगनविले। यह भी वर्तमान में सबसे नया देश बना है जो कि पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान में 2019 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए लोगों की टॉप 10 की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो टॉप 10 जो पाकिस्तान में सर्च हुए गूगल पर, उसमें 3 भारतीय शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा 3। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है 3 भारतीय। 85 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस ओपनर क्रिकेटर ने 174 गेंदों में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया? पृथ्वी शॉ का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था कि हाल ही में किस ओपनर क्रिकेटर ने 174 गेंदों में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी शॉ। ध्यान देंगे, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में ओडिशा सरकार ने कालिया योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितने रुपये कर दिया? तो कालिया योजना के तहत जो दिया जाता था ओडिशा सरकार द्वारा सहायता राशि, अब उसे घटाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। तो सही आंसर है 10,000 से अब 4,000 कर दिया गया है। 87 नंबर प्रश्न, टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है ग्रेटा थनबर्ग को। टाइम मैगजीन ने 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंद्रभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया था? अभी मैंने बताया भारत और रूस के बीच यह अभ्यास किया गया था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो ओडिशा सरकार ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। सही आंसर है ओडिशा सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो ये 34वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण।
फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन 34वें स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए 91 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ का स्थापना दिवस के रूप में। 92 नंबर प्रश्न, किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीम स्मिथ। ग्रीम स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा ग्रीम स्मिथ। अगला प्रश्न है, अल्बर्टो फर्नांडिस ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, अल्बर्टो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है, कनाडा ने। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो ये कनाडा में किया गया। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान साल 2019 के लिए घटाकर कितनी फीसदी कर दिया? तो ये कर दिया है 5.6%। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर 5.6% कर दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिनों में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो ये क्या किया है, आंध्र प्रदेश द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर एक कानून बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया है? तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों में हाल ही में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है। सही आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष हेतु पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका बनाया गया है 3 वर्ष के लिए पुमा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री को, जो कि एक फुटबॉलर हैं भारतीय मूल के। तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और किस राज्य के बीच मुल्लापेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच जो मुल्लापेरियार बांध है उससे संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा केरल और तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, हाल ही में पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा कितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। हाल ही में पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा कितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर होगा 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न, मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी भारत करेगा। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए 103 नंबर प्रश्न, हाल ही में नीदरलैंड के अध्ययनकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन और किस देश से होकर बहने वाली सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ दुनिया की सबसे कमजोर वाटर टावर्स के रूप में से एक है? तो सही आंसर है पाकिस्तान। नीदरलैंड के अध्ययनकर्ताओं के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन और पाकिस्तान देश से होकर बहने वाली सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ दुनिया की सबसे कमजोर वाटर टावर्स में से एक हैं। तो ध्यान देंगे, ये देश हैं भारत, चीन और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है 14 दिसंबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न। साल 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में 200 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये पूरे दिसंबर माह से संबंधित करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आने पे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सच में काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, भारत की सिफारिश पर किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो भारत की सिफारिश पर 21 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये डेट आप याद रखेंगे, भारत की सिफारिश के आधार पर 21 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये डेट है 21 मई। 107 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो ये चुना गया है टोनी एनसी, इसे 2019 में मिस वर्ल्ड चुना गया है। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है जोजोबिनी टुंजी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। आपसे ध्यान रखेंगे। और अगर मिस वर्ल्ड की बात करें 2019 मिस वर्ल्ड, तो ये जीता है टोनी एन शी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित है? तो ये संबंधित है कंजर्वेटिव पार्टी से। हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत वंदना पार्क का के शिलान्यास के समारोह में हिस्सा लिया था? तो ये लिया था नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत वंदना पार्क के शिलान्यास के समारोह में हिस्सा लिया था। सही आंसर है नई दिल्ली। आप ऐसे भी इस प्रश्न को याद रख सकते हैं कि भारत वंदना पार्क कहाँ है। ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में कि भारत वंदना पार्क कहाँ है। तो इसका शिलान्यास किया गया अभी हाल ही में दिल्ली में, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत वंदना पार्क दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है, सीबीआई के किस अधिकारी ने नेशकॉम, देखिए यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न है, सीबीआई के किस अधिकारी ने नेशकॉम डीएससीआई का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 जीता है? तो इसका नाम है बीपी राजू। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम है बीपी राजू, जो कि इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। ये सीबीआई के एक अधिकारी हैं और इन्होंने इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। इसका नाम है बीपी राजू। अगला प्रश्न 111 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया, इसका नाम है इस पुस्तक का एग्जाम वॉरियर्स। ब्रेल संस्करण का मतलब यहाँ पे यह है कि जो लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, जिसे दिखाई नहीं देता है, उसके लिए ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है। और इस पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक थी। और ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आप ध्यान देंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 112 नंबर प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को ऊर्जा दक्षता निवेश के विस्तार के लिए $250 मिलियन का ऋण जारी किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने किस देश को, तो ये जारी किया है भारत को, भारत को ऊर्जा दक्षता निवेश के निवेश में विस्तार के लिए $250 मिलियन का ऋण जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने, यानी कि हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बने हैं कुलदीप यादव, जो कि एक स्पिनर गेंदबाज हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, और इसका नाम है कुलदीप यादव। आपको इसे ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेय की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा राज्य ने सुरक्षित पेय आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सही आंसर होगा ओडिशा सरकार। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मौजूद शबरूम नामक स्थान पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ बनाए जाने की घोषणा की गई है?
तो यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मौजूद सबरूम नामक स्थान पर पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा है की है की गई है? तो ये की गई है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मौजूद सबरूम नामक स्थान पर पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपसे ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न। हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है शशि थरूर को। नेक्स्ट प्रश्न, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है नंदकिशोर आचार्य को। दोनों का आपको ध्यान रखना है, अगर अंग्रेजी साहित्य का बात करें तो ये शशि थरूर को दिए जाने की घोषणा किया गया है, और अगर हिंदी साहित्य की बात करें हिंदी भाषा के लिए तो ये दिया जाने की घोषणा किया गया है नंदकिशोर आचार्य को। दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो यह है गोदावरी नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है और ये एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच होने वाली संयुक्त नदी आयोग यानी कि ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक को बांग्लादेश द्वारा निरस्त कर दिया? तो ये बैठक जो होने वाली थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश ने इसे निरस्त कर दिया है। तो सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न 122 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेट व्हाइट ऑनियन किस्म विकसित की है? तो ये इसका आंसर होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। ये कृषि विश्वविद्यालय जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने व्यावसायिक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेट व्हाइट ऑनियन किस्म की विकसित की है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाज कोच बनाया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वसीम जाफर, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्हें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है और इसका नाम है वसीम जाफर, आपसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो ये पुर्तगाल सरकार द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है पुर्तगाल सरकार ने। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। फोर्ब्स द्वारा जारी 2019 के लिए टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में विराट कोहली पहले स्थान पर है, सही आंसर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में किस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? तो सही आंसर है पिनाका मार्क 2, जिसे कि DRDO द्वारा हाल ही में किस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया, इसका नाम है पिनाका मार्क 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही आंसर है 20 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया? तो यह सही आंसर होगा अपहरण। भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस नाम से, तो ये नाम है अपहरण नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया। आपको ये नाम याद रखना है, ये अपहरण नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया था भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। 129 नंबर प्रश्न है, चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगा है?
तो ये लगा है वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ियों पर। आपको इसे ध्यान रखना है कि चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर किस टीम यानी वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ियों पर मैच का 80% जुर्माना लगा है। तो ये टीम है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। चलिए अगला प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। तो ये कर दिया है 4.9%। आपको इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने अंटार्कटिक आइस मैराथन को पूरा करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। इसका नाम है रॉय जॉर्जन स्वेनिगसेन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति है जिन्होंने अंटार्कटिका आइस मैराथन को पूरा किया है और ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं इसे पार करने वाले। इसका नाम है रॉय जॉर्जन स्वेनिगसेन। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की है। तो ये किया गया है नेपाल सरकार के द्वारा। किस देश के विदेश मंत्री ने, तो ये नेपाल के विदेश मंत्री ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की है। आप इसको ध्यान रखना है, ये नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा समझौते की मांग की गई है। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर लगे मुख्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। तो यह है रूस। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर लगे मुख्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। तो सही आंसर होगा रूस। अगला है 134 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है। तो यहाँ पर हमका सही आंसर होगा अमिताभ बागची। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है। तो सही आंसर होगा अमिताभ बागची। नेक्स्ट प्रश्न 135 नंबर प्रश्न, किस देश में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। सही आंसर होगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है दक्षिण सूडान द्वारा। तो सही आंसर होगा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट प्रश्न है 136वां नंबर प्रश्न, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 137 नंबर प्रश्न, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किस दो सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मोस। ओडिशा के चांदीपुर से दो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम है ब्रह्मोस। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, घरौंदा और लावारिस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके दिग्गज अभिनेता का 92 साल की उम्र में पुणे महाराष्ट्र में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। इसका नाम था श्रीराम लागू। ध्यान देना है आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 92 साल की आयु में से इसका निधन हो गया और इन्होंने लावारिस और घरौंदा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था और इसका मृत्यु हुआ है पुणे महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में, श्रीराम लागू। चलिए अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू करने की अंतिम तिथि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ा दिया है 15 जनवरी तक के लिए। 15 जनवरी तक के लिए अब इसे बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने फास्टैग को, अब इसे लागू करने की तिथि को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। 140 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वहां प्रत्येक वर्ष हर घर में 260 किलो खाना बर्बाद होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में प्रत्येक वर्ष हर घर में लगभग 260 किलो खाना बर्बाद होता है। 141 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाले एक रोबोट तैयार किया है। इसका नाम है, ये देश का नाम है ईरान। ईरान के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषा बोलने और समझने वाले एक रोबोट को तैयार किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 142 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए हाल ही में पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। तो ये क्या है, ITBM। हाल ही में पहली बार किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। तो क्या है, ITBP ने। 143 नंबर प्रश्न है, पीटर स्नेल किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ।
तो पीटर स्नेल संबंधित है लंबी दूरी के धावक से। ये एक धावक हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। पीटर स्नेल धावक से संबंधित थे और इसका हाल ही में निधन हुआ है। अब इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 144 नंबर प्रश्न। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 112। भारत का स्थान है 112। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख किसे चुना गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मनोज मुकुंद नव नरवाने को भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां प्रश्न। 146वां प्रश्न, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया था। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच में। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था सूर्य किरण। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका नाम है RJ डकवर्थ। इन्होंने हाल ही में वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किए गए किस अभियान की डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सुगम्य भारत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किए गए किस अभियान की डेडलाइन को बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया है? तो इस अभियान का नाम है सुगम्य भारत। ध्यान देंगे, इसका नाम है सुगम्य भारत। नेक्स्ट प्रश्न 149 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब से ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 66वां नंबर प्रश्न, 150वां नंबर प्रश्न, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये फिल्म है अंधाधुन। अंधाधुन को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर है अंधाधुन। अगला प्रश्न है, पुस्तक RN का जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा नितिन गोखले। जेंटलमैन स्पाई मास्टर लिखा गया है नितिन गोखले के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में पहली बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है? सही आंसर है, गुजरात जायंट्स ने पहली बार बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग का खिताब जीता है। इसका नाम है गुजरात जायंट्स। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस विधानसभा सदस्य की सदस्यता फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी? इसका सही आंसर होगा अब्दुल्ला आजम खान। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस विधानसभा सदस्य की सदस्यता फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी? इसका सही आंसर होगा अब्दुल्ला आजम खान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव बोर्ड द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में गेंडों को लाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दे दिया है उत्तराखंड राज्य ने। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सही आंसर होगा बेल्जियम। फीफा ने लगातार दूसरी बार बेल्जियम को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। सही आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF का निदेशक बनाया गया है? सही आंसर होगा सेतुरमन पंचनाथन। भारतीय मूल के निवासी सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है। सेतुरमन पंचनाथन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति मुगल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्ति किया है? तो सही आंसर होगा क्यूबा के राष्ट्रपति मुगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 वर्ष बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सही आंसर होगा क्यूबा। आप इस प्रश्न को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि क्यूबा में 43 साल बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये देश है क्यूबा, आपको इसका नाम याद रखना है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को
भारत में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 159 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, आप ध्यान रखेंगे, जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का, देखिए 160वां नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दावोस शहर में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहीं पर विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में जनवरी 2020 में, आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? तो इसका नाम है संगीता रेड्डी। अपोलो अस्पताल समूह के किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया, जिसका नाम है संगीता रेड्डी, आपको इसका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो इस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, ध्यान देंगे, ये बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 163 नंबर प्रश्न, किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन हेतु 2019 को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो हाल ही में 8 पश्चिमी देशों ने कॉमन करेंसी को नाम दिया है ईको, ECO, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं, इसका नाम दिया है कॉमन करेंसी को ईको, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को नाम दिया है ईको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए? यहाँ पर इसका नाम है राखी हल्दर, जिसे कि कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक इन्होंने जीता, और ये महिला भारोत्तोलक है, आपको इसे ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा राखी हल्दर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 166 नंबर प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? तो जीत मिली है अशरफ गनी को। हाल ही में अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? तो ये मिली है अशरफ गनी को, आपको इसका नाम याद रखना है। अशरफ गनी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति नियुक्त होंगे, तो आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 167 नंबर प्रश्न, किस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है? तो यह है लॉन्सेट पेपर। लॉन्सेट पेपर द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है, तो यह है लॉन्सेट पेपर। अगला प्रश्न है, 167 नंबर प्रश्न, किसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को, हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, ध्यान देंगे हर्षवर्धन श्रृंगला इसका करेक्ट आंसर होगा। 169 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया? इसका नाम है MiG-27, जो कि 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया, और ये भारतीय वायुसेना से संबंधित था, और इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है 27 दिसंबर 2019 को, आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए 170 नंबर प्रश्न है, किस सरकारी योजना के तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 के तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका नाम है, इस योजना का नाम है भारत नेट योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गाँवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस योजना का नाम है भारत नेट योजना। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है, ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? तो ये पाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान प्रारंभ की है? इसका सही आंसर होगा एयरटेल। एयरटेल ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान की है, सही आंसर रहेगा होगा एयरटेल, सॉरी प्रदान नहीं की बल्कि वाईफाई कॉलिंग सुविधा प्रारंभ की है, तो यह है एयरटेल कंपनी। अगला है 174 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यहीं पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था यानी कि मृत्यु हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है, ध्यान देंगे इसका सही आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 175 नंबर प्रश्न है, किस देश में मनाया जाने वाला हुनक्का फेस्टिवल रोशनी के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है? प्रश्न है, किस देश में मनाया जाने वाला हनुक्का फेस्टिवल रोशनी के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नर फिलेंडर किस टीम के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। वर्नर फिलेंडर दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 वी बॉक्स वितरित किए हैं? तो सही आंसर होगा अगरतला, इसका करेक्ट आंसर होगा अगरतला। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 बी बॉक्स वितरित किए, इसका सही आंसर होगा अगरतला। आपको बता दूं कि त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किसे इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया? तो ये बताया गया नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला यूसुफ जई को इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि मलाला यूसुफ जई एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, आपको ध्यान रखना है ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा है, ध्यान देंगे इसका आंसर होगा अटल सुरंग। चलिए 181 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है, ये बढ़ाकर कर दिया है, 2 वर्ष बढ़ाया गया, इसमें पहले 58 वर्ष थी और अब इसे किया गया है 60 वर्ष। प्रश्न था कि तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष से कितना कर दिया गया है? तो ये 60 वर्ष किया गया है, 2 वर्ष का इजाफा हुआ है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष रिटायर होने की घोषणा की है? तो ये 2020 में रिटायर होने की घोषणा की है लिएंडर पेस ने, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 183 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है गुड गवर्नेंस सूचकांक में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है, ध्यान देंगे इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 184 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है विराट कोहली, विराट कोहली ये भारतीय क्रिकेटर है और इसका नाम इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 185 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? इसका करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है रोहित शर्मा ने, ये भारतीय खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज हैं, इन्होंने सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है,
और ये रिकॉर्ड 22 साल पुराना रिकॉर्ड था, जैसे कि सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। आपको इसे ध्यान में रखना है। 187 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इसका नाम है वर्नन फिलेंडर। वर्नन फिलेंडर जो कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 189 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं अमिताभ बच्चन को, और इसे सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया है अमिताभ बच्चन को, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, किस लेखक को हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ज्ञान रंजन को। किस लेखक को हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है? तो इस लेखक का नाम है ज्ञान रंजन, जिसे कि आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफ जई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जो मलाला यूसुफ जई है, उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बन रही है, और उस फिल्म का शीर्षक का नाम है गुल मकई। आपसे ध्यान रखेंगे, इसका नाम है गुल मकई। अगला प्रश्न है, 192 नंबर प्रश्न, हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है हेमंत सोरेन ने, झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन इसका नाम है। 193 नंबर प्रश्न, कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? तो यह है MiG-27, जिसे कि 27 दिसंबर 2019 को रिटायर किया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है, और इस विमान का नाम है MiG-27। और आपको ध्यान रखना है, ये MiG-27 और 27 दिसंबर को इसे सेवानिवृत्त किया गया है। तो आप इस तरह आप याद रख सकते हैं, 27 27 करके, 27 दिसंबर, और इसका नाम है 27, MiG-27 यानी MiG-27। तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 194 नंबर प्रश्न, किस देश ने हाल ही में, देखिए 194 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। रूस ने हाल ही में अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका नाम है कोनेरू हम्पी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और इसका मिशन का नाम दिया है आदित्य L1। भारत द्वारा पहले सोलर मिशन को नाम दिया गया है आदित्य L1, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 197 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसी संस्था के अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और इस सेंटर का आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग Mark-5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो ये क्या है, चीन ने हाल ही में देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग Mark-5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ये इसका आंसर होगा चीन।
नेक्स्ट प्रश्न है 199 नंबर प्रश्न, चीन, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो इसमें शामिल था चीन, चीन, रूस और ईरान। ये तीन देश थे जिन्होंने अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। ये आपको याद रखना, इस देश का नाम चीन, रूस और ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है 100, देखिए यहाँ पे अब हम बात बढ़ चले हैं 200 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 200वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु एक प्रणाली का शुरुआत किया है और इसका नाम है रन थ्रू फाइल्स, और इसे शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, आपसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 200 प्रश्न पूरा हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको 200 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे 201 नंबर प्रश्न, हाल ही में तालिबान परिषद ने किस देश में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। हाल ही में तालिबान परिषद ने अफगानिस्तान में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। 202 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो इसका नाम है अजित पवार। इन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा अजित पवार। नेक्स्ट प्रश्न है 203 नंबर प्रश्न, यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ये जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत 2026 तक। और ये किसके अनुसार, और ये संस्थान का नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये एक यूके का संस्थान है, इसी के मुताबिक 2026 तक कहा जा रहा है कि भारत जो जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इसका आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवाने, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो 2019 में वन आच्छादित क्षेत्र जो बढ़ा है वो सर्वाधिक कर्नाटक में बढ़ा है। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा कर्नाटक। 206 नंबर प्रश्न है, भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका नाम है पीटर सीडल, और इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट के जरिए भारत के खिलाफ किया था, और ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, और इसका नाम है पीटर सीडल, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला है 207 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैन और आधार कार्ड को लिंक किए जाने की डेडलाइन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसकी सीमा को बढ़ाया गया है मार्च 2020 तक। ध्यान देंगे, इसका लिंक करने की सीमा, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा 208 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा कि अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। अब ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसका सही आंसर है क्रिस्टीना कोच, जो कि सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला बनी है अंतरिक्ष में। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में 208 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपको इस वीडियो से सचमुच हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी कुछ ज़रा से भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। और आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर इस वीडियो को
उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो PDF तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके इसको परचेज करें। इस वीडियो का जो PDF का कीमत मैंने तय किया है वो क्या है, 20 रुपये। 20 रुपये मैं यहाँ पे कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे देखिए मैं बिना माइक के आपको वीडियो बताता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक माइक लिया जाए, इसके लिए मैंने एक अमाउंट यहाँ पे रखा है कि 20 रुपये आप PDF डाउनलोड करें और 20 रुपये उसके ज़रिए वहाँ पे मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं आप, ताकि मैं चैनल पे और भी मेहनत कर सकूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक सहायता राशि के तौर पर आपसे 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये आपसे मांग रहा हूँ। 20 रुपये आप वहाँ पर देखिए आप परचेज कर सकते हैं इस PDF को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण PDF है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर परचेज करें। आप वहाँ पे लिंक आपको दिया गया है, आप उस लिंक के ज़रिए वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रहने का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।